नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अपना एमपी की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां उपचुनाव का ऐलान आज हो सकता है। बुधरी विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। शिवराज सिंह के सांसद बनने पर बुधनी सीट खाली हुई थी। विजयपुर में रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसीलिए विजयपुर भी उन सीटों में शामिल है जहां पर उपचुनाव होना है। तो बुधनी शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और रामनिवास रावत ने विजयपुर से इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होना है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बुधनी और विजयपुर सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताएं क्या इनपुट मिल पाया है अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उससे अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश सहित जो 4 राज्यों में चुनाव होने उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं देखूं तो बुधनी और विजयपुर दो जगह उपचुनाव होने हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब सांसद बने तो बुधनी सीट खाली हुई है, वहीं रामनिवास रावत जो कांग्रेस के विधायक थे, लोकसभा के पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, अब वो मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री का दायित्व संभाल रहे, उनकी सीट पर उपचुनाव होना है। अगर दोनों ही सीटों की मैं बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से तैयारियां लगातार चल रही। जिस तरीके से अगर मैं श्योपुर की बात करूं तो विजयपुर में हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दौरा किया था, एक बड़ी सभा वहां पर की थी और करोड़ों रूपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी थी। देखिए, बुधनी को लेकर जो है वो बीजेपी पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रही कि बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। देखिए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री डॉक्टर जो शिवराज सिंह चौहान जो है वो वहां पर विधायक रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से भी देखें तो विदिशा लोकसभा क्षेत्र में वही वो बुधनी क्षेत्र आता है। अगर कांग्रेस की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमेटियां बना दी गई थी, प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी। जयवर्धन सिंह को विजयपुर की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं उमंग सिंघार को बुधनी की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, विजयपुर सीट को लेकर कांग्रेस ज्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि उनकी पार्टी के कद्दावर विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर गए हैं, तो ऐसे में एक नए चेहरे की तलाश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी की तरफ से स्पष्टता माना जा रहा है कि रामनिवास रावत चूंकि कांग्रेस छोड़कर आए हैं और मध्य प्रदेश सरकार में उनको मंत्रालय वन मंत्री का दायित्व भी दिया गया है, तो ऐसे में सीधे तौर पर वो वहां पर प्रत्याशी होंगे। लेकिन बुधनी में बीजेपी का कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर थोड़ा सा संशय है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद ही वह प्रत्याशी तय होगा कि आखिर वहां पर कौन सा प्रत्याशी होगा। कांग्रेस भी इस सीट पर किसी मजबूत कैंडिडेट को ढूंढने में जुटी हुई है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने देखा कि अरुण यादव से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारा गया, लेकिन कांग्रेस को एक बार भी इस पर सफलता नहीं मिली थी। तो अब संगठनात्मक लिहाज से दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरी है, संभवतः अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो उसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों के भी नाम सामने आएंगे और सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर इन दोनों सीटों पर देखने को मिलेगी। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों ही इशारों में सज्जन सिंह वर्मा पर बड़ा निशाना साधा, कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, पता नहीं इन खटमलों और मच्छरों को कब अक्ल आएगी। कैलाश विजयवर्गीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है। बोले भारत माता की, क्या बात है। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से हालात हो जाएंगे। ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है, ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश, यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल अच्छर को अकल कौन देगा? पता नहीं।
प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस के सदस्यों की लिखी हुई किताबें पढ़ाने के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की सभी लाइब्रेरी में सभी राइटर्स की पुस्तकें खरीदने और रखने की दिशा में काम किया जा रहा है। बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाल। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए हैं, उसका परिपत्र है। कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने, हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। रेप और हत्या के विरोध में आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स काले कपड़े पहनकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे और कोलकाता में डेली डॉक्टर के साथ हुई वारदात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात को बेहद शर्मनाक बताया। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के विरोध में अब राजधानी भोपाल में तेज हो चला। जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर्स पहले हड़ताल पर थे, अब गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, वो पूरी तरीके से हड़ताल पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, खास बात ये भी है कि जो डॉक्टर हड़ताल है, अधिकांश जो है बच्चे जो यहाँ पर काली ड्रेस पहन के आए, सीधे तौर पर ये विरोध कर रहे हैं। और जिसके 3000 मेडिकल के छात्र हैं वो हड़ताल पर हैं, उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे कि किस तरह की मैं डिमांड आप लोग कर रहे हैं। हम हमारी सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं सबसे जरूरी, क्योंकि अगर हमें अस्पताल आना है, हमें रात में ड्यूटी करना है, तो हमें सुरक्षा चाहिए। जो कलकत्ता में हुआ है वो कहीं भी रिपीट ना हो, कहीं भी। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी की जा रही है, लेकिन कल जिस तरीके से कलकत्ता में प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान मारपीट भी की गई, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? इस घटना को हम कहीं ना कहीं प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इससे ये साबित होता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी असली कल्प्रेट है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और हमारा धैर्य का बांध जब टूटा कि जब 14 अगस्त की रात्रि में 200-300 गुंडों की झुंड डॉक्टर्स के ऊपर हमला करती है, सबूत मिटाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ जो कल्प्रेट है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि गांधी मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो सब के सब हड़ताल पर चले गए और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उसका अब सही समय है विरोध करने का। यदि हम लोगों ने विरोध नहीं किया तो ये घटनाक्रम बढ़ते जाएंगे। सीधे तौर पर वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रही हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलेंस न्यूज टीम भोपाल। डॉक्टर की हत्या के विरोध में अब देश भर के डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में गजराजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। जीआरएमसी के करीब 350 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने आज से पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया है। काली पट्टी बांध कर बैठे डॉक्टर्स ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और डॉक्टर के इन प्रोटेस्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से पवन पटेल, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे सहयोगी। ग्वालियर का पहले हाल जान लेते हैं। सुशील, बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है इस समय? ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है उस हड़ताल को अब आईएमए ने समर्थन दिया है। इसके अलावा नर्सिंग एसोसिएशन भी इनके साथ में आ गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और ये जो न्यू जयरोग्य अस्पताल है उसका मुख्य गेट है। इस मुख्य गेट पर यहाँ जो जूनियर डॉक्टर है, तमाम डॉक्टर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो बंगाल में नृशंस हत्या हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, देश में डॉक्टरों के लिए कानून बने। और डॉक्टर आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। इनका कहना कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में उनका आंदोलन उग्र रहेगा। हमारे साथ जूडा के सचिव है, किस तरह की आज स्ट्राइक है आपकी और कैसा क्या आंदोलन?
देखिए मैं डॉक्टर आदित्य खरे जुड़ा सचिव ग्वालियर हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस चैनल के माध्यम से मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रदर्शन है और ये हड़ताल किस चीज़ के लिए। आज देश के हर न्यूज चैनल पे, हर घर में, हर पंचाल में एक ही बात चल रही है, उस महिला चिकित्सक को इंसाफ मिलना चाहिए। कलकत्ता के आर्जकर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है और इस घटना के साथ ये घिनौनी घटना है। इस घटना के साथ पूरे देश के चिकित्सक, चिकित्सकीय छात्रों के दिल में आक्रोश भरा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि उनको एक इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले। आंदोलन हमारा एक देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन है और इसमें हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है कि उस महिला को, उस बेटी को, उस बच्ची को न्याय मिले। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में भी जूडा का जो जी बिल्कुल हड़ताल है, आंदोलन है, इसको आईएमए ने अपना समर्थन दिया। इसके अलावा आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग पूरे देश के डॉक्टर इस समय कर रहे हैं। इंदौर का हाल बताने के लिए मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। वक्त मैं इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हूं और 12 बजे से 1 बजे तक का समय दिया था डॉक्टरों ने कि आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और वो तस्वीर में दिखाता हूं। इस वक्त मैं ओपीडी जो है ओपीडी के बाहर मौजूद हूं और ओपीडी के अंदर अब लोग नहीं है क्योंकि जो लोग यहां पर आए थे डॉक्टरों को दिखाने के लिए वो परेशान होकर जा चुके हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किन डॉक्टर दिखाने आए थे, डॉक्टर मिले नहीं? मिले नहीं। मिले क्या तकलीफ है आपको? वो चमड़े को डॉक्टर से दिखाना था। डॉक्टर नहीं मिले अंदर, क्या बताया? ताला लगा हुआ है? खुला था, वो बोला जो बंद हो गया। बंद हो गया है, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। किसको दिखाने आए थे आप यहाँ? डॉक्टर मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। नहीं मिले अंदर, क्या सब ताले लगे हुए? ताले नहीं लगे हुए, बस डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। कितने देर तक आपने इंतजार किया, कब आए थे आप? मुझे ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा इंतजार करा होगा, मैं अभी आया हूँ। लेकिन डॉक्टर नहीं मिले? अंदर डॉक्टर नहीं है? नहीं सर, मैं 10 बजे से आया हूँ मैं अपनी वाइफ को लेकर और यहाँ पे उन्होंने बोला एक है कि बोल दिए कि यहाँ हड़ताल हो गई है और यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, जाइए आप लोग सब। तो फिर उन्होंने तुरंत गेट बंद कर दिया, हम लोग फिर बाहर आ गए, फिर इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब नहीं मिले, हार्ट की दवाई लेना, आधी दवाई दी, आधी नीली कलर नहीं लिखवा के आओ। मैंने कि डॉक्टर साहब यही नहीं हड़ताल पे, वो शायद हमें कह रहे कि आधी नहीं। देखिए हड़ताल का जो समय था आज ओपीडी का 12 से 1 बजे तक था, डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर इस वक्त इंदौर एमवाई हॉस्पिटल से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज गए और डॉक्टरों ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज तो ओपीडी बंद की है, कल सुबह 6 बजे से देश भर की इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। कल से हाल जानने के लिए पवन पटेल का रुख कर लेते हैं। पवन आप बताएं वहां क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी देखा जाए तो प्रोटेस्ट जारी है और मेडिकल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्य हैं, आईएमए के सदस्य हैं, ये सभी हड़ताल पर हैं और आज 12 से 1 बजे तक ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया गया था। सर बताएं क्या मांग है आप लोगों की, क्योंकि कार्रवाई तो एक तरह से देखा जाए तो चल रही है, बंगाल सरकार भी कार्रवाई कर रही है लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या? कार्रवाई चल रही है लेकिन ये जो 15 अगस्त की रात को जो हुआ है वहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्टिंग डॉक्टर के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई, वहाँ तोड़फोड़ किया है, आपने डॉक्टर को जाके मारा है, वो कहाँ की कार्रवाई है? मैं क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक्शन हुआ उसके बाद फिर जो जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, ये क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है? हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी है जो कि इसमें इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि ऐसे 3000 लोग, जनता, नॉर्मल जनता 3000 लोग कैसे आ पा रही है एक अस्पताल में और क्यों तोड़फोड़ कर रही है? कौन उनको उत्साहित कर रहा है? कौन उनको उत्साहित कर रहा है कि नहीं आप जाके तोड़फोड़ करो, उनकी जितनी शांति भरी प्रोटेस्ट हो रही है उसको जाके तोड़ दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए लोगों के। आपने देखा होगा वीडियोस में आ रहा है, हॉस्टल में चढ़े जा रहे हैं लोग, क्यों चढ़ रहे हैं, क्या रीजन क्या है, हमको ही बताइए ना, क्यों? मुख्य मांग क्या है? मैम अगर बात करें क्या मांग है डॉक्टर्स की, डे वन से हमारी मांगे क्लियर है, जो भी कल्प्रेट्स हैं इसमें, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी धर्म जाति का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए जो भी दोषी है। ये मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सुरक्षा के मद्देनजर भी कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी मांग है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही वहां जो हालात हैं वो दिखाने के लिए और उनकी जानकारी देने के लिए। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि यह काफी दुखद है। उनकी माने तो टीएमसी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी इसमें विचार करेगी और अपने उस व्यवहार को लिए माफी मांगेगी। अगली खबर भोपाल से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में चोरी हुई, दुकान से 30 लाख कैश, गहनों की चोरी।